हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा का। तो प्रॉब्लम है द थर्ड टर्न ऑफ ए जीपी फोर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट फाइव टर्न्स। तो जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस होता है। देखो, ये ए है, ये ए मतलब जो फर्स्ट टर्न होता है। फिर क्या होता है, ए में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ए आर, ये दोनों टर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये दोनों ही है और कुछ नहीं है। फिर ये है फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड टर्म क्या आएगा, ए आर टू द पावर, ये जीरो होगा, ये फिर वन होगा, ए आर टू द पावर टू होगा, ए आर टू द पावर थ्री होगा, ऐसे चलता जाएगा। ओके, ये है बेसिकली, ये जो है इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये आर टू द पावर जीरो हो गया, तो समथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, तो ये वन होता है, इसीलिए नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए ही नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ ए लिखते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ए लिखते हैं। ओके, तो ये है। तो क्या बोला है, थर्ड टर्न ऑफ ए जीपी इज फोर। तो हमें दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये टर्न क्या है, ये फोर है, फोर। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट फाइव टर्म्स। तो पहले चार टर्म तो लिख लिया, फिर फाइव टर्म कैसे लिख। देखो, तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ये है ए आर टू द पावर फोर होगा। तो प्रोडक्ट पूछा है, समेशन नहीं पूछा है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए इंटू ए आर टू द पावर वन इंटू होगा। तो इंटू मतलब क्या है, तो जो ये इसका जो है वो सब पावर हो जाएगा। तो ए का पावर कितना, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, ए टू द पावर फाइव होगा। ओके, और ये क्या होगा, आर का इंटू आर टू द पावर, सबका पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या है, 10। ओके, 10 होगा। तो इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स पता चल गया। तो क्या हमें क्या करना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म जो है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इक्वल टू फोर। हमें बस इतना मालूम है, हमें ये पता है, ये निकालना है। तो देखते हैं कोई रिलेशन कैसे निकाल पाएगा। मुझे तो दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ए टू द पावर फाइव करूंगा और आर टू द पावर फाइव करूंगा तो ये निकलेगा। तो ये इसको कैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे पावर फाइव करते हैं, ए आर स्क्वायर टू द पावर फाइव इक्वल टू क्या होगा, फोर टू द पावर फाइव हो जाएगा। तो दोनों तरफ इक्वेशन में जो भी करना है दोनों तरफ करना है, तो इक्वेशन बने रहता है। तो देखो भाई, हमें ये मालूम, ये अगर मैं कर दूं, देखो ए टू द पावर 10, सॉरी ए टू द पावर फाइव आर टू द पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव इंटू टू 10 होगा। और देखो अभी ये निकल गया ना, सेम है सेम है, हमें पूछा है ये पूछा है, तो ये फोर टू द पावर फाइव हो जाएगा, फोर टू द पावर फाइव। तो आंसर निकल गया, तो फोर टू द पावर फाइव कितना होगा, फोर इंटू फोर, फोर वन टू थ्री फोर। ओके,
1024, 1024, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये आया हमारा आंसर।